इस वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। 10 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम का बजट रहता था। इसका सीधा अर्थ यह है कि आने वाले साल में रोड, रेल, हवाई अड्डे, मेट्रो, बिजली, गैस ऐसे हर प्रोजेक्ट का बहुत विस्तार होगा। इससे लाखों नए रोजगार भी बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च रेत, सीमेंट, लोहा, मशीनें ऐसे अनेक सेक्टरों को गति देता है। यानी इन सभी उद्योगों में, ऐसे हर बिजनेस में नई भर्तियां होती हैं। भाजपा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च कर रही है तो इसका सबसे अधिक लाभ पूर्वी भारत को, उड़ीसा को हो रहा है। भाइयों और बहनों, दिल्ली में जब कांग्रेस का राज था तब उड़ीसा को अपने हक के लिए भी परेशान होना पड़ता था। आज आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए आज उड़ीसा के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। बीते 10 वर्षों में उड़ीसा में नेशनल हाईवे के लिए 7 गुना अधिक बजट दिया गया। रेलवे विकास के लिए औसत बजट में 12 गुना तक वृद्धि की है। उड़ीसा में रेलवे का 100% बिजलीकरण हुआ है। आज उड़ीसा में पूरी हावड़ा और पूरी राउरकेला पर, इस रूट पर तेज गति की आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। साथियों, आज मैं उड़ीसा आता हूं तो यहां के विकास को गति देने के संकल्प के साथ आता हूं। लेकिन आपको याद करना होगा, 2014 से पहले दिल्ली से कांग्रेस के नेता यहां आते थे तो क्या करते थे वे लोग? या कालाहांडी जाते थे, आदिवासी बस्तियों में जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे, टीवी और अखबारों में तस्वीरें छपती थी और पूरी दुनिया में उड़ीसा की गरीबी छाई रहती थी। जिस उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जहां कोणार्क में सूर्यदेव विराजते हो, जहां हजारों वर्षों की हमारी समृद्ध सभ्यता के निशान है, ऐसे समृद्ध उड़ीसा को कुछ राजनीतिक दलों ने विकास से वंचित रखने का पाप किया। साथियों, 2014 से पहले जहां उड़ीसा की पहचान को खराब करने के प्रयास होते थे, वहीं हमारी सरकार आज उड़ीसा का गौरव बढ़ा रही है। आपने देखा है कि उड़ीसा में G20 की बड़ी बैठकें हुई, जिनमें दुनिया भर से लोग आए। दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी उड़ीसा छाया रहा। भारत की सांस्कृतिक विरासत के, उसे दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं को परिचित कराने के लिए हमने कोणार्क चक्र को चुना। आज दुनिया के शीर्ष नेताओं में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर कोणार्क चक्र के सामने न हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दुनिया के नेताओं को उड़ीसा की समृद्ध धरोहर के बारे में बताने का अवसर मिला। यहां पर्यटन के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं। हीराकुंड बांध में भी पर्यटन की जितनी संभावनाएं हैं उनका उपयोग नहीं हो पाया। भाजपा सरकार बनते ही इस क्षेत्र में टूरिज्म के नए आयाम जोड़े जाएंगे। वैसे साथियों, जीवन में सुख और दुख दोनों समाहित होते हैं। आज प्रतिभाशाली फिल्म एक्टर, डायरेक्टर,
और प्रोड्यूसर साधु महर जी के निधन का दुखद समाचार भी मिला। साधु महर फिल्म और कला के क्षेत्र में ओडिशा की प्रतिभा के एम्बेसडर थे। हमारी सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनके जरिए ओडिशा के लोगों की प्रतिभा को सम्मानित किया था। मैं श्री साधु महर जी को मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, हमारी सरकार ओडिशा का गौरव बढ़ाने, ओडिशा का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, भाजपा ही है जिसके पास ओडिशा के देश के विकास के लिए एक प्रोग्राम है, एक रोड मैप है। आपको याद रखना है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीदें खत्म हो जाती है। और मोदी की गारंटी ओडिशा के विकास से भारत को विकसित बनाने की है। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आकर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माताओं बहनों का विशेष धन्यवाद करता हूं, वे समय निकाल करके हमें आशीर्वाद देने आई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।